अंधकार से निकलकर एक गहरे अंधकार की तरफ जा रही थी। तब मेरी आंखें खुल गई और मुझे पता चला कि मैं खामखा में उस चीज को वो दर्जा दे रही हूं जिससे मुझे कुछ मिला नहीं था। मुझे रिप्लाई चाहिए इसका। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूं तो सिर्फ एक ही एक शख्सियत है, वरना इससे पहले तो नारी शक्ति को जो स्थान मिला हुआ था वो हम सोच भी नहीं सकते। आप जिसको अभी खड़े देख रहे हैं ना, मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मुझे अभी रैशनल बने हुए शायद अभी मुश्किल से 7 महीने हुए। मैं इससे पहले रैशनल नहीं थी, मैं एक कृष्ण भक्त थी। और अचानक मैं यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसा सुनती रहती हूँ, क्रांतिवीर भाई से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और वोटर पार्टी से भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई, तो अचानक एक वीडियो मेरे सामने आता है साइंस जर्नी का। मैं उस वीडियो में एक ही शब्द सुनती हूँ कि कृष्ण काल्पनिक, ये लाइन मेरे आगे कानों में पड़ती है। मैं उस चीज़ के ऊपर एकदम से हिल जाती हूँ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी को इसलिए बदला था कि मैं एक सच को पाने के लिए निकली थी। मैंने बहुत कुछ अपने जीवन को बदल दिया था। मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ और 7th-8th क्लास में मैंने मॉडलिंग की थी। और आप सोच सकते हैं, ऐसा बंदा अचानक जो बहुत पिक पे था और कृष्ण भक्ति में आकर उसने पूरा सब कुछ लाइफस्टाइल चेंज कर दिया था अपना, कि मैं एक सच को पाने जा रही हूँ। मगर जब मैंने वो साइंस जर्नी की वीडियो सुनी तो मुझे पता चला ये सब तो बहुत बड़ा घपला चल रहा है। वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मैं बचपन से हिस्ट्री के पीछे, एक पैशन है मेरा हिस्ट्री के पीछे ही, यूट्यूब पर मैं कुछ ढूंढती रहती हूँ। तब वहाँ पता चला कि मैं तो एक अंधकार से निकलकर एक गहरे अंधकार की तरफ जा रही थी। तब मेरी आंखें खुल गई और मुझे पता चला कि मैं खामखा में उस चीज़ को वो दर्जा दे रही हूँ जिससे मुझे कुछ मिला नहीं था। मुझे जो मिला है, अगर आप सभी कुछ आंखें खोलकर देखें तो आपकी परदादी की परदादी शिक्षित क्यों नहीं थी? अगर हमारे देश में इतने बड़े बड़े ग्रंथ थे, इतनी बड़ी बड़ी, आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या रचना, क्या क्या हो जाता था, ये भी नहीं समझ में आता जो सिर से भी बाहर निकल जाता है। आज अगर नेटवर्क चला जाए तो फोन काम करना बंद कर देता है, मगर हम उसमें ऐसा ऐसा पढ़ते हैं कि जो लगता है कि पता नहीं कौन सी टाइम की बात हो रही है और क्या हो रहा है। तो उसके बाद मेरे जो खुल गया दिमाग एकदम से, मुझे समझ आ गया। मैंने 2 दिन के अंदर उस सब चीज़ों को लॉक किया और मैं इस रास्ते पर चल पड़ी। और मुझे समझ में आया कि मुझे देने वाले तो पावर थे और मैं कहाँ पे कहाँ भटक गई और कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो ये संविधान अगर ना होता तो हमारे यहाँ जो महिला है आज भी, आप कितना भी कह लीजिए, अभी बात हो रही थी धर्म की, बात भी कुछ की गई, कुछ जैसे विश्वात्मा जी माननीय ने कहा कि आप हिंदू धर्म से नाम मत रखिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे बाबा ने बहुत समय से किसी का भी नाम पत्रे या जन्म पत्रे अक्षर के हिसाब से नहीं रखा है। मगर आप आज भी एक चीज़ देखिए ना, आप क्यों नहीं कहते कि हिंदू रैशनल नहीं है? हिंदू रैशनल है, मगर आपको उसका कान ना घुमा के पकड़ना पड़ेगा। क्यों? आप किसी बेटी की शादी करते हैं, फेरे लगवा के करवा देते हैं ना, पंडित जी बुलाते हैं जी, टाइम निकला, ये हुआ, सब कुछ हो जाएगा। मगर उसके जीवन में जब विवाद आता है तो कहाँ जाती है? तब उसे बाबा साहब नजर आते हैं। उस पीड़ा से, उस दुख से, उस झंझवात से निकलने के लिए उसको पंडित जी का रास्ता नहीं दिखाई देता, वो ब्राह्मण का रास्ता नहीं दिखाई देता, वो कहां जाती है? कोई भी धर्म हो, कितना भी धर्म में चलने वाला इंसान हो, मगर अगर गहरे गर्त में जा रहा है, दुखों में जा रहा है, तकलीफ में जा रहा है, या अपना अधिकार लेना चाहता है, तो उसको कहां जाना पड़ता है? तो ये समझना होगा हमको। और मेरे को बहुत खेद है कि दिल्ली में ओबीसी समाज की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है और वो संपन्न है। दिल्ली में सोच लीजिए, अगर आप ओबीसी समाज है, मैं खुद पर्सनली उसमें जुड़ी हुई हूँ, उनके पास 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने का किराया आता है। और देखो आज बड़ा अफसोस है मुझे कि दिल्ली में होते हुए भी वो लोग यहाँ हाजिरी लगाने नहीं आए कि आज उनके समाज के लिए कुछ सोचा जा रहा है। और मेरा एक निवेदन है अपने बड़े बड़े लोगों से, मैं तो बहुत छोटी हूँ इनके आगे, ये जो सब बोल रहे हैं ना हम लोग SC ST OBC, अब कान में ना ये अच्छे नहीं लगते मुझको।
जो मेरा देश है, मेरा घर है, मेरी भूमि है, तो कौन आकर मुझे बाहर से ऐसा बना गया और बिल्कुल ऐसा बना गया। आपने बीच में एक दौर देखा होगा, या मैकडोनल्ड्स खोले थे, मैकडोनल्ड्स में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे सरनेम को देखा जो वहाँ टॉयलेट भी साफ करता था, वहाँ झाड़ू भी लगाता था। तो क्या हम हर चीज़ पैसे से समझते हैं? अभी विश्वात्मा सर ने बहुत अच्छी बात कही, वो फाइनेंशियली समझा रहे थे हमको कि हम कहाँ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जब तक पैसे की बात हमको समझ में आती है तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। मैकडोनल्ड्स में जाकर एक उच्च श्रेणी वाला कहने वाला बच्चा भी झाड़ू उठा रहा है, वो वाइपर उठा लेता है, झाड़ू नहीं उठाता, तो वो स्टाइलिश हो जाता है, मगर हो तो रहा है ना। तो हमको सबसे पहले उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके लिए सबको आज मेरी अपील है कि इस ग्राउंड में जो भी वोटर पार्टी के उस पर जो भी इस सीमा को लांग गया है ना, आज अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर मेरे आग्रह पर जरूर रखकर जाएगा। यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।